जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी कृपा है और वंशु डीपी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, एक ये बहन है, फर्स्ट नेम नहीं बताऊंगा, बाद में इनका नाम शर्मा है, ये बता देता हूँ मैं। इन्होंने बताया कि हनुमान जंजीरा जो मंत्र की वीडियो हमने दी थी अपने मुंह से, अपने मुख से, जो हमने रिकॉर्ड करके आपको हनुमान जंजीरा मंत्र का वीडियो डाला, उसका अनुभव बता रहा हूं। इनको साक्षात अनुभव हुआ है और क्या प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है, क्या समस्याएं हैं, उन पे भी कुछ नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, ताकि इनको समझ में आए क्या प्रॉब्लम है और इनके समाधान हो सके। ठीक है, वैसे बालाजी की कृपा इन पे है, उसके ही बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जय श्री राम। सुखद है, जय श्री राम। इन्होंने बताया कि जब आपने दीपक भैया रिकॉर्ड करके वीडियो डाला हनुमान जंजीरा मंत्र का, तो मैंने सुना और रोज सुन रही हूं मैं, लगभग 2 दिन से सुन रही हूँ, 2-3 दिन से रोज सुन रही हूँ। उसे सुनते ही मेरे को दोपहर को नींद आने लगती है। पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन मेरे कानों में ऐसी आवाज है जैसे कोई रो रहा है, कोई औरत रो रही है, वो मंत्र चल रहा है आपका और इधर से वो भी औरत रो रही है। और ये भी दिखा मुझे, आंख खुली जब मैं दोबारा ली तो ये दिखा, तो बंदर, एक बंदर मेरे गोद में आके बैठ गया है, बहुत प्यार से खेल रहा है, ये मैंने देखा। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आपके घर में नेगेटिविटी है, अभी भी है, स्टिल आपने इलाज कराया है, ठीक है, लेकिन अभी भी है। काम धंधे में परेशानी करेंगे, बच्चे पैदा नहीं होने देंगे। उन्हीं की वजह से इनको सुंदरकांड का पाठ बताया था हमने करने के लिए, जो भी जितना भी इन्होंने कर पाई कर पाई, फिर इन्होंने छोड़ दिया। आसपास में कोई होते हैं उनके, उन्होंने वो इनको बालाजी के किसी धाम वगैरह पे ले गए, तो वहां से इनको शायद आराम लगा, वो अच्छी बात है, लगना चाहिए, क्योंकि बालाजी वहां पे भी है, बालाजी हम भी बालाजी का ही नाम लेते हैं, आपका नाम लेवाते हैं बालाजी का, और आराम लगा होगा जरूर। अभी भी ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कह दिया नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, वो मैं कह रहा हूँ है प्रॉब्लम। आप चेकिंग विधि करके देख सकते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी निकलेगी। अभी आपके आसपास एक चुड़ैल दिखाई देगी जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगी, बच्चे से रिलेटेड समस्या होगी आपको। अगर इन्होंने बताया कि है, मैंने आईवीएफ की ट्राई किया है, तो आईवीएफ से अगर सक्सेस मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं मिलती आईवीएफ से, तो आप हनुमान जी का जो मंत्र है, हनुमान जी के चैनल पे, बालाजी कृपा चैनल पे हमने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो में हमने ये बता रखा है, मोहन राम बाबा, हनुमान जी बाबा दोनों छपे हुए हैं उसमें, वो वाली वीडियो देखें और वो उपाय करें और साथ में सुंदरकांड का पाठ करते रहें, आपका काम जरूर हो जाएगा, कितनी भी नेगेटिविटी घर में हो। साथ में जल विधि, धोनी विधि घर में करना ना भूलें, और जंजीरा मंत्र अगर इस्तेमाल कर लें तो अति उत्तम है। अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते तो जंजीरा मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। जंजीरा मंत्र याद नहीं होता है तो वो जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है चैनल पे, उसे आप चला करके अपने फोन में और रोज सुने, आपके शरीर के अंदर की नेगेटिविटी निकल जाएगी। इस वीडियो पे इन बहन के माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ, जंजीरा मंत्र जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है वंशु डीपी के ब्लॉग चैनल पे, वो आप देखें, आप देख करके सुने कान में, जो नहीं पढ़ सकते जिनको नेगेटिविटी है नहीं निकल रही है, कान में लगा के रख जाके फोन को और सुना करें उसको, देखना कम नेगेटिविटी निकलने शुरू हो जाएगी। किसी के आधे हिस्से में सुन्नपन है, किसी के कान में दिक्कत है, किसी का माइंड बंदा बंदा रहता है, वो कान में लगा के सुने, जिस हिस्से में प्रॉब्लम है वहां लगा के सुना करे, रोज सुने हो ना, जाप नहीं कर सकते तो सुने, कोई बीमार है तो उसे कान में लगा के रख दो, ऐसा काम करो, आपको प्रभाव दिखाई देगा और इनका काम जरूर बने, मैं ये चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो दो उनको उपाय बताए, ये करने चाहिए इनको, नेगेटिविटी अभी गई नहीं है, जान माल और पैसे का नुकसान अभी होगा। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि भैया दर्शन तो होते हैं, एक औरत दिखती है घर में, एक आदमी दिखता है, वो आदमी जो है वो ऐसा खतरनाक है कि वो दीवारों पर चलता हुआ दिखता है, और वो आदमी भी नहीं है, जानवर तरीके का है वो, मैं ये बता दूं, अब कुछ मैं सही सही बताऊंगा तो डर जाएंगे, तो ब्रह्म राक्षस है वो, ठीक है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, और वो पूजा पाठ को भी खा जाता है, वो है। आपको जो बताया ये करें, मेहंदीपुर में हर महीने उसारा लेके जाए, आज अर्जी लगाएं, बालाजी महाराज कृपा करें, काम आपका सही होगा, और चुड़ैल काम रुक देती है आपका। जॉब करें अभी, और बालाजी का यंत्र गले में बना करके पहन लें, इस चैनल पे हमने दे रखा है किस तरीके से यंत्र बनाने का तरीका है, गले में उसका ताबीज बना के पहने, हमने सब कुछ बता रखा है, करने वाले होने चाहिए बस, और वो करेगा जो प्रॉब्लम में है, जो प्रॉब्लम में नहीं है, जिसके पास पैसा है वो तो भक्तों के पास जाएगा, पैसा फेंकेगा, काम देखेगा, क्या पता आराम उनको पड़े भी ना पड़े, कुछ नहीं पता। तो ये इनका छोटा सा अनुभव था हनुमान जंजीरा का, सुनने का मात्र, जाप करने का नहीं, सुनने का, जाप करने का भी अनुभव होता है, लेकिन उनको होता है जो मन से जाप करते हैं, शुरू के 5 दिन मन से, क्या उसके बाद
ओम हनुमान पहलवान पहलवान, ध्यान उधर है, ध्यान उधर है, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होता है जो ध्यान से करेगा उसकी सारी की सारी दृष्टि खुल जाएगी, इसी से खुल सकती है, चारे चक्र जागृत होंगे इसी से, एक ही मंत्र से, इसी से सिद्धि भी मिलेगी, इसी से भूत भगाने वाली सिद्धि भी मिलेगी, सब काम हो सकते हैं, लेकिन हम मन से नहीं करते और फिर दोष देते हैं हनुमान जी को या दीपक भैया को। अच्छा चलते हैं, हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबको समस्या को समाधान करें। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री बागेश्वर बालाजी की जय, जय श्री पंडोखर बालाजी की जय, जय श्री बालाजी की कृपा वाले बालाजी की जय।